हाँ तो गाइस गुड इवनिंग, मैं आपका दोस्त गौरव और एक और नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। आपको लग रहा गुड इवनिंग मैं क्यों बोल रहा हूँ, भाई आज ना मैंने ब्लॉग की शूटिंग बड़ी लेट स्टार्ट करी है। पूरे दिन मैं घर पे सोता रहा, मतलब मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का, मैं आज रेस्ट करेंगे। मेरे को लगा नहीं यार रोज़ तो ब्लॉग देता हूँ आप लोगों को, तो आज भी ब्लॉग देना पड़ेगा, और कुछ बढ़िया सोच रहा था। तो अभी शाम को बजे 6:30 ऑलमोस्ट, और 6:30 बजे ब्लॉग की शूट कर रहा हूँ। और भाई मैं ना घर से आया हूँ तो थोड़ा बाहर आ गया हूँ घर के बाहर, मतलब आज मूड नहीं था बनाने का, इसने आपको बताया तो अब इसके पास आया हूँ, मैं इसके पास आया अभी थोड़ी सी एनर्जी चार्ज करनी है। बैटरी तो भाई मैं ना लूँगा, नारियल पानी तो पीऊँगा नहीं, गर्मी से कड़वा हो रहा होगा। तो सामने ना वो देखो भारत में वाला आइसक्रीम वाला है, तो इस पर जाएंगे, इस पर भैया बना देना काजू शेक। तो भाई काजू शेक बनवाते हैं इनसे, फुल बनवाने वाले हैं। कितने का भैया बड़ा? 40 वाला बना दो एक भाई। मैं भाई देखो देसी जुगाड़ का फ्रिज था, इसे बर्फ डाल देते हैं, कोल्ड स्टोरेज बना रखा है इन्होंने, इसको पीते हैं। और भाई फिर इतना बढ़िया वाले ब्लॉगिंग करने वाले, 2-3 घंटे दबा के ब्लॉग करने वाले हैं, और फिर आप लोगों को ना बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश यही रहेगी। प्रमोद भाई मस्त बन चुका है ये, प्रमोद बोल रहा भाई ये मस्त बन गया, आज उसे ये पीते हैं। कहीं जा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता ना कहाँ ब्लॉग बनाने जाने वाला, घर में ब्लॉगिंग तो बनानी नहीं है भाई मेरे को, अब घर के बाहर ही ब्लॉग करने वाला हूँ मैं, जो होगा बढ़िया आपको देने वाले, देखते क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मैंने बोला इसमें ना अंगूर पड़े हैं तेरे पास, पर अंगूर पीले वाले डालियो, पीले वाले अंगूर डालियो, पीले वाले अंगूर इसमें डाल पाऊंगा, इसमें और अच्छा टेस्ट आने वाला, अंगूर डलवा लेंगे तो ज़्यादा नहीं 8-10 अंगूर डलवाएंगे। पीले पीले डालियो भाई, धो लियो इसको, इसमें डलवाते हैं टेस्ट भी बताते कैसा लग रहा है अंगूर, और अब ट्राई करते हैं कैसे लग रहे हैं, आपके सामने करूँगा ट्राई। काट के तो डाल लेते हैं तो टुकड़े करके, भाई बहुत बढ़िया लग रहे हैं, आप जरूर ट्राई कर सकते हो, ये चीज़ पास हो गई है। मेरा एकदम याद आ गया कि मैंने ना अंकल को पैंटे दी थी अल्टर कराने के लिए, तो वो ले लेते हैं। अंकल हो गई? हाँ देखा अंकल का ये अच्छा बात है कि ये ना काम है ना, जब मतलब बोलो ना कि अर्जेंट अर्जेंट भी कर देते हैं, और नहीं तो अगर बोलो रुक के तो रुक के भी कर देते हैं, उन्होंने कर दी रेडी, मतलब वापस जाना नहीं पड़ता आपको यहाँ पर आने के बाद, तो ये अच्छी बात है। नहीं तो कस्टमर यार वापस आए जाए, सब पैंटे रेडी कर दिए एक दो, चार से पाँच दिन बाद जिम आया हूँ भाई, और बॉडी काफ़ी लूज लग रही है, उसमें 5-6 दिन दबा के एक्सरसाइज करनी है, देखते हैं कितनी एक्सरसाइज मैं कर सकता हूँ, आज तो विदाउट वेट एक्सरसाइज मारनी पड़ेगी। भाई मैं तुम्हें तो एक बच्चे से मिलवाता हूँ, 7th में पढ़ता है, मतलब 7th का मतलब समझ रहे हो ना, 12-13 साल का हो, कितने साल के हो? 11 साल के हो, इधर आओ इधर, 11 साल के हो, तो भाई ये 11 ईयर्स का है, और इसका ये बड़ा भाई है, मतलब 2 ईयर इससे बड़ा है ना, इधर उधर उधर, और भाई ये ना ये भाई 2 साल बड़ा है इससे, ये 9th में पढ़ता है, 7th में पढ़ता है, ये 11 साल का, तुम 13 साल के हो? मैं 14, ये 14 ईयर्स का है भाई, और ये दोनों मतलब दोनों भाई इतने कंसिस्टेंसली, मैं इनको देख रहा हूँ जिम आता हूँ जब जब, तो ये अपना बंदे आते हैं, बॉक्सिंग का इन्हें बहुत मन है, अभी तो बॉक्सिंग दिखाता हूँ तुम्हें करके, करो भाई प्रैक्टिस करो अपनी, अभी करके दिखाने वाले हैं भाई बॉक्सिंग, और इनका मन है टूर्नामेंट खेलते हैं लोग, टूर्नामेंट खेले तुम? टूर्नामेंट खेले तुम? कौन सा? नेशनल स्टेट, उसमें मॉडल गोल्ड, गोल्ड भाई साहब गोल्ड मार रखा है इन्होंने नेशनल के, नेशनल में गोल्ड मारा हुआ है, अच्छा इसने स्टेट में गोल्ड मारा हुआ है, और नेशनल के अंदर ब्रॉन्ज मारा हुआ है इन्होंने, भाई इसका भी नेशनल है ब्रॉन्ज और स्टेट में गोल्ड मारा हुआ भाई सब, दोनों भाई मतलब बहुत बढ़िया, देखो अभी वीडियो में आप देख रहे हो, मैंने 5-6 साल बाद देखेंगे ना, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे जरूर होएंगे ये, करो भाई बॉक्सिंग, भाई बॉक्सिंग देखो ना होगी प्रैक्टिस भाई साहब जबरदस्त, जब भाई वीडियो डालता रहूँगा मैं, नंबर नाम तो बता दो अपना, मलिक मलिक है भाई, मलिक जाट होते हैं पता है, और ये लोग
खेलने में नंबर वन होते हैं। चलो अब भाई इसका बड़ा भाई खेलने वाला ले भाई, ये नेक्स्ट लेवल है भाई। यार गाने भाई एक चीज और इनसे पता चली, नॉन वेज भी नहीं खाते दोनों, नॉन वेज तक नहीं खाते। जब भी देखो इतनी बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या खाते हो डाइट में? तुम्हारी एज के बच्चे उनके लिए बताओ क्या खाते हो तुम? नॉर्मल रोटी सब्जी खाना, दूध वूध सब, दूध भैंस का प्योर पीते होगे ना भाई? दूध प्योर लाते हैं लोग, ये अच्छी बात है। बढ़िया से, और आपने भाई मैंने वीडियो में शेयर करी है ना, आप अच्छी भाई बच्चे हैं भाई, और एकदम मस्त तरीके से बॉक्सिंग लड़ रहे हैं ना, जैसे कोई हद नहीं है भाई। और आज तो बाजार खाली है क्योंकि आज भाई बाजार में भीड़ कमी रहती है, मंडे वनडे तो सरेडे ज़्यादा भीड़ होती है, ज़्यादा भीड़ नहीं है आज यहाँ पे, खाली पड़ा है ना, थोड़ी भीड़ आपको मिल सकती है, ज़्यादा वैसे है नहीं इस एरिए में। थोड़ी आपको भीड़ मिलेगी, जहाँ मैं जिम करता ना उधर थोड़ी कम भीड़ रहती है, इस तरीके की मार्केट है भाई यहाँ की। तो फाइनली भाई 4-5 दिन बाद मैं जिम गया और काफी अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे ना घर में बैठ के ऐसी हालत हो रही थी जैसे मुझे फीवर हो रहा हो या बैटरी डाउन लग रही हो। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो ना या आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, अब हम लोगों को ये लगता है कि हम पूरे दिन ना काम कर रहे हैं तो हम थक गए हैं, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो, थकावट है। अगर आप अपने लिए जिससे आपको कुछ अच्छा मिले, मतलब कि आपकी बॉडी में इन्वेस्टमेंट हो पाए, तो मैं उस एक्टिविटी की बात करूँ, जैसे रनिंग करो या योगा कर रहे हो तो बहुत अच्छा फील करूँगा, मेरी पूरी बॉडी से चार्ज हो गई ना, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है भाई। अब आके मस्त प्रोटीन आ रखा है, प्रोटीन पीने वाले हैं, और प्रोटीन पीने के बाद भाई मुझे कुछ कपड़े प्रेस करने, मतलब प्रेस करने का मन भी नहीं कर रहा था, अब वो भी करने वाला हूँ, देखना अब बिल्कुल बैटरी चार्ज हो गई। प्रोटीन भी मैं एक हफ्ते बाद ही पी रहा हूँ। तो गाइस मस्त वाला डिनर आ चुका है, और डिनर के अंदर है तोरी और आलू की सब्जी और हर की दाल दोपहर वाली, और भाई साथ में है रोटी, और भाई साथ में है रोटी, तो यही खाने वाले हैं मस्त। तो भाई एक चीज़ और बढ़िया बनी हुई है, लग रहा है खीर बनी हुई है घर में, बनी क्या है लग क्या रहा है ही खीर। तो भाई खीर बनी हुई है, तो रात में भी ये खाते हैं और सोते हैं गाइस। तो आज के ब्लॉग के अंदर इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल का ब्लॉग बहुत बढ़िया देने वाले हैं, आज के ब्लॉग आपको सही लगा होगा जरूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी थी भाई। बच्चे मतलब अगर आपके घर में बच्चे छोटे छोटे तो उनको जरूर फिजिकल एक्टिविटी कराओ, मोबाइल में मत घुसेड़ के रखो भाई, मोबाइल से बाहर निकालो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।